हरियाणा का जो एक चमकता सितारा जिसका देश विदेशा में पूरा नाम था राजू पंजाबी, जिन्होंने देसी देसी ना बोले अगर सॉरी जैसे गाने गाए, जो ना कि सिर्फ हरियाणा में ना कि सिर्फ भारत में विदेशों में भी जिनका डंका बजा और हरियाणा इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त काम किया। तो उन्हीं के जैसे एक कलाकार करमवीर फौजी सिंगर हमारे साथ मौजूद है, इनके भी जो है गाने सभी के जुबान पर रहे हैं और आज जो है श्रद्धांजलि सभा थी तो ये भी पहुंचे हैं वहां पर। ये कुछ कहना चाहूंगा उनके बारे में। राम राम जी। राम राम जी, आपका चैनल देखने वाले सारे ने भाई, सबसे पहले तो राम राम। और भाई मारे तो बहुत दुख की घड़ी है कलाकारों के लिए। तो जिस भवन के अंदर, अग्रसेन भवन के अंदर श्रद्धांजलि सभा थी, इसके अंदर इतना प्रोग्राम करके गया था, रावत सर के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सदा ही राजस्थान के लोग मेरे को प्यार देते आ रहे हैं। राजू पंजाबी इसी जन्मभूमि से हैं, कर्मभूमि हरियाणा है उसकी जी। आप भी वहाँ से आए हो तो प्यार में, मैं इस पर कलाकार हूँ, आप आज पत्रकार हो, हरियाणा से इतने आए हैं तो हरियाणवी बोली के लिए उस बंदे ने कुछ किया है, तभी तो हम लोग इतने यहाँ पर आए हैं। और जो ये जो कमी है, ये पूरी जिंदगी शायद कोई विरला ही राजू पंजाबी दोबारा पैदा होगा जो इस कमी को पूरा करेगा। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत से उसकी आवाज़ के ऊपर एक बहुत जादूगरी आवाज़ थी कि कितनी तो एक्टर नहीं बनी उसकी आवाज़ पर, हीरोइन बनी, कितने एक्टर बन लिए उसकी आवाज़ पर, कितने सिंगर मशहूर हो लिए उसके म्यूजिक से। एक ऐसा कलाकार था रे जिसको सारी क्वालिटी दे रखी थी। हम तो मशहूर हुए एक अपनी गायकी के दम पे, भाई कलाकार थे, गायक थे, म्यूजिक किसी पे भजवा लिया। वो बंदा तो खुद म्यूजिक बजाना, खुद स्टूडियो ऑपरेट करना और खुद का गाना भी खुद उसने, और कलाकारों को भी गुआ के हिट करवाना, मतलब एक बहुत गायकी लाइन के अंदर जो एकदम से स्पीड आई थी ना जबरदस्त, मतलब के वो फौजी साहब इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ है, मतलब कला फैन भी मिल जाता है ना, खुद फोन लेगा, खुद सेल्फी लिया करते हैं, मतलब इतना सरल स्वभाव था। जब तो हम लोग रह रहे हैं मेरे वीर, जब तो आप आ रहे हैं, देखो कोई कमेंट करा किसी क्षेत्र में, कोई रुतबा बंदा कायम करता है ना किसी भी क्षेत्र के अंदर, मान लो कोई बंदा रुतबा कायम करता है, फिर उसके बाद में उसका व्यवहार क्या है, वो व्यवहार उसका नेचर भाई बंदे का बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा बंदा है, इतना नाम और इस बंदे का, तो इसमें कति जमे सिंपल बंदा है, वही चीज उस बंदे के अंदर थी और इसीलिए उस बंदे को हम याद करते हैं भाई। और आप लोग भी इसीलिए यहाँ पर आए हो। जो बंदा 2 मिनट से अकेले बतला लिया, यूँ समझ ले वो बंदा उसका हो गया, मतलब कि क्योंकि सर नाम उस बंदे का इतना। हाँ बिल्कुल 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 भाई, यही चीजें जो है, यही चीजें गल जावा और गल्ला कुछ नहीं जानता मेरा भाई। और चाहता तो वो बंदा आज लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाने ने कोई बड़ी बात नहीं, कमा भी सका था, लेकिन भाई चीज तो है, चाहे कमा लो चाहे पैसा कमा लो, उस बंदे ने इज्जत बहुत ज्यादा कमाई है, नाम कमाया, प्यार कमाया भाई साहब। पैसा को तो ऐसे कलाकार हमें दिन दे को नहीं, जिन कलाकारों का इतना नाम है ना, वो पैसे इतने। बिल्कुल, कई कलाकार जो हो ऑटो ट्यून वगैरह या म्यूजिक के सहारे चला, लेकिन वो कलाकार ऐसा था, लाइव की बात हो जैसे आप लाइव में भी जबरदस्त टाली ही बाजा करते। हाँ बिल्कुल भाई, देखो उसका सुर था, उसके सुर थे यार, उसने ज्ञान था इस चीज का, और बिल्कुल लाइव के अंदर भी, चाहे कैसेट के अंदर भी, मान लीजिए रिकॉर्डिंग भी, उसका तो मतलब के जवाब ही नहीं भाई साहब, आप मतलब के यकीन ही नहीं हो रहा कि वो बंदा इतनी जल्दी चले जा रहा। आप लास्ट बार कब मिले थे? लास्ट बार मिला था मैं, शादी समारोह था यहाँ जिला जींद के अंदर, उस टाइम मेरे को बोला था फौजी साहब मैं आपका एक गाना करना चाहता हूँ, अभी 2-3 महीने पहले। मैं बोला भाई साहब आऊँगा, बिना टाइम निकाल के नहीं, फौजी साहब आओ नहीं कहा, आपका एक गाना जबरदस्त गाना करूँगा, मेरी दिल इच्छा है बाबा, दिल इच्छा दिल में रहनी भाई, मेरा भी दिल में रहनी, तो आ नहीं पाया भाई साहब। फौजी साहब हालांकि हाइट छोटी थी उन लोगों ने कहा हाइट छोटी, लेकिन रुतबा कितना कमाल का था। रुतबा तो भाई देखो क्या बताएं आपको, देखो ये चीज तो है, उसके गुण देखो ना, हाइट तो कलर क्या छोटी बटी, ये तो परमात्मा ने जो दे दिया शरीर जो रूप दे दिया ठीक है, लेकिन उस बंदे की जो जादूगरी आवाज थी उसका जादू है सारा, उसका व्यवहार था मेन। हरियाणा इंडस्ट्री को जो क्षति पहुंची है, क्या मानना पूरी हो जाएगी, जो मतलब ऐसा कलाकार तो नहीं आएगा? देखो वो चीज तो नहीं आएगी, देखो राजू पंजाबी तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो सारे ही करेंगे, करते भी हैं। मोदी साहब, राजू जी राजस्थान के थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर हरियाणवी उसकी पसंद क्यों किया? किसी बंदे की वोकल कहीं पसंद आ जावे जी। हाँ जी, राजू पंजाबी के हिट होने से पहले मैं हिट था जब, तो मैं हरियाणवी बोली को लेके आया था और यही एरिया है, मतलब के खुद राजू बोलिया करता, फौजी बोलिया तेरा बहुत नाम है, बोले हमारे एरिया में, तो मैंने पता है मेरे को बुला, मैं राजस्थान तक, तो राजस्थान के लोगों ने मेरा भी इतना प्यार दिया था ना, फौजी करमवीर को दे सकते हैं, तो राजू पंजाबी को हरियाणा वाले एक राजस्थानी कलाकार को प्यार क्यों नहीं दे सकते? ये तो एक राग एक अपना हरियाणवी राजस्थानी, अपनी कोई व्याकरण नहीं है, अपनी एक बोली है, इसकी कोई भाषा नहीं है, ये मान ले कहीं कठे बठे है, कड़िया किंग हैविंग है, कड़िया की तूत, ये बस राजस्थान हरियाणा का एक ही बोल बाणी थोड़ा सा, तो 20-20 कोसों पर संधाना होना चाहिए। और ये साहब इसका क्या राज था, बहुत गिने चुने दिनों में ही
राजू राजू हो गया सबकी जुबान पर। भाई साहब देखो, कोई भी चीज आती है ना, कोई चीज हिट और बदलाव आता है, तो उस चीज को लोग एकदम से कैच करते हैं, और हिट होने के बाद में वहां पर बना रहना बहुत मुश्किल है। वो बंदा हिट हो गया और वहां पर बना रहा। बहुत से ऐसे कलाकार हरियाणा राजस्थान पंजाब के अंदर पूरे बॉलीवुड में आई, जो बंदा हिट होने के बाद में ना फिर बंदा फ्लॉप भी हो जाए, ईट होने के बाद वहाँ बना रहना उस बंदे के लिए बहुत तकड़ी उपलब्धि थी, बहुत तकड़ी उसकी मेहनत थी। जो चीज़ उसने दे दी ना, जो पब्लिक को टेस्ट चाहिए था, देखो कोशिश में तो सारे कलाकारों में मैं कोई बदलाव लेकर आऊँ, कोई नई चीज़ लेकर आऊँ। मैं जब पानी वाली पानी पाते पतला दुपट्टा तेरा मुँह दिखा जात में तो बैठ गोरी राम रटके, जब मेरी सीडी कैसेट आई थी उस टाइम पर भी एक नया बदलाव आ गया था, क्योंकि गढ़वा बैंजू को छोड़कर एकदम डीजे पा गया था सिस्टम। उसके बाद में फिर और कलाकार अपना अपना अंदाज लेकर आए, अपने अपने हिसाब से हिट हुए, लेकिन उस बंदे ने तो बहुत धमाका कर दिया एकदम से। मतलब कि जो चीज कमी हरियाणा के अंदर थी ना, वो उस बंदे ने आती एकदम पूरी कर दी, उसके अंदर नजर आई भाई, हर बंदा उसकी तरफ दौड़ रहा है। फिर भाई मैं तो इससे गाने करवा के ही लिप सिंग करूंगा, एक्टर बनूंगा, मैं तो इसे का गाना पैक करूंगी, एक्टर करूंगी, एक्टर नहीं बनूंगी भाई, मैं तो राजू पंजाबी का ही म्यूजिक लूंगा, इसका म्यूजिक हिट हुआ है बंदे के। वो देखो ना कितना मतलब वो था, उसके बाद ही बंदे कोई कमेंट नहीं, बंदा छोड़े कहीं बॉलीवुड में जाकर नहीं बैठा, रावत सर से जाकर हिसार में बैठ गया हरियाणा के अंदर। ये हमारे ये प्लस पॉइंट है उस बंदे का भाई साहब, अपने लिए अपना हरियाणा के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अपने हरियाणा को इसीलिए इतना बोली आगे बढ़ी अपने बंदे का। आप भी कलाकार हो, सिंगर हो, राजू पंजाबी का कोई गाना आपकी आवाज में थोड़ा सा गुनगुनाना चाहो तो? राजू पंजाबी के तो बहुत उनका फेवरेट गाना सुना था, थोड़ा अपना जो अच्छा लगता हो थोड़ा आपकी आवाज। देखो पहला गाना उसका हिट हुआ था, तू ठड्डा में माड़ी ना मिलता जड़ा हो, ये गाना हसमी जादू था, ये गाना जिस टाइम पर चले था सपना चौधरी जी के ठुमके लगे थे ना, ये गाना हिट हुआ था। तू ठड्डा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, भाइया की सुमर झांगी ना मार मरोड़ा हो, भाइया की सुमर झांगी ना मार मरोड़ा हो। आखिर में क्या कहना चाहोगे हरियाणा के जनता? आप मैं दर्शकों से आज जोड़ के प्रार्थना करूंगा भाई, हरियाणा और राजस्थान जिस भाई राजू पंजाबी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह की पहचान भाई ने बनाई है हरियाणवी फोक गायकी को, जिस तरह से उठाया है, साफ सुथरे गीत ही लेखकों से प्रार्थना लिखो, कलाकारों से प्रार्थना साफ सुथरे गीत ही गाओ, और जितने एक्ट्रेस हैं कंपनी वाले उनसे प्रार्थना भी साफ सुथरे हरियाणवी राजस्थानी कल्चर को उठाने वाले गीतों का आप फिल्मांकन करो, और राजू पंजाबी भाई को तो हम कभी भी दिलों में जिंदा रखेंगे, उसको तो हम भुला सकते। गीत हमारे साथ।